चाइना को हमारे देश ने, हमारे देश के इस कमजोर प्रधानमंत्री ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा जगह चाइना हमसे छीन चुका है, और बेशर्मी की इंतहा इतनी है कि उसको दूसरी तरफ दिखाना चाहते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि संविधान का बचाने का सबसे पहला जिम्मेदारी या सबसे पहली जिम्मेदारी संविधान ने हमारी लगाई है कि भारत की 1 इंच भी भूमि ना जाने दे। जो नरेंद्र मोदी की सरकार भारत का 1000 किलोमीटर दे सकती है, वो भारत के संविधान का क्या हासिल कर रही होगी? यही इसका एक चावल है देख का पूरा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिम्मेदारी, दूसरी बात रानू जी ने कहा है यहां पे, जिम्मेदारी आज है वकीलों की। हमें सबसे आगे रहकर कयादत संभालनी पड़ेगी इस मुल्क की, इस देश की वकीलों को। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ना संविधान की रक्षा हो पाएगी, ना देश की रक्षा हो पाएगी। ये मैं साफ कोई से आप लोगों के सामने कह रहा हूं, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो सरकार 1000 किलोमीटर चाइना को दे सकती है, वो पूरा मुल्क बेच देगी और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। दूसरी एक बात है कि देश में, स्टेट में और सरकार में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देश हम लोग हैं, देश की जनता देश है, स्टेट देश की जनता है, सरकार एक हिस्सा होती है। जितनी भी सरकार है वो देश का सिर्फ एक हिस्सा है। तो असली देश हम सब लोग हैं, जनता है, और उसमें सबसे आगे देश को बचाने के लिए वकीलों को रखना। मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कहता हूं, सरकारों के लिए भी कहता हूं, क्योंकि ये सरकारें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से चुने हुए लोगों की सरकारें नहीं है, उनकी असली आवाज की सरकारें नहीं है, इसीलिए सरकारें ठीक काम नहीं कर रही। उसी तरीके से बाढ़ का मसला है। आज पूरा बार, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी के मेंबर्स हो, माइनॉरिटीज के मेंबर हो या दूसरे मेंबर्स हो, उनकी कोई हैसियत, कोई इज्जत, कोई वकार नहीं रह गया। ये बात सच है ना, सबकी बता रहा हूं ये। और हम बार के मेंबर की हैसियत से सबकी इज्जत बचाना चाहते हैं, लेकिन जो आज चुने हुए लोग हैं वो वही लोग हैं जिनकी सरकारें बनी हुई, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से नहीं आते, क्योंकि उनकी संख्या कम है। इसी वजह से बार की वैल्यू कम हुई है, सरकार की इज्जत, सरकार की वैल्यू कम हुई है, सरकार जो ठीक से नहीं चल रही, बार भी जो है ठीक से इसलिए नहीं चल रही है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग इसमें नहीं है। तो इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। अगर हम लोग बार की नुमाइंदगी करेंगे, हम लोग जीत के जाएंगे, तो पूरी बार की इज्जत बढ़ेगी। एक बार के मेंबर की हैसियत से ये मैं ऐलान करना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम लोग जीतेंगे, फायदा सबका होगा, बार का फायदा होगा। आज जो जजेस जिस तरीके से कानून तोड़ के वकीलों के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये क्या मुनासिब बात है? ये इसीलिए है कि बार कमजोर हो गई, और ये मजबूत बात तब होगी जब आप और हम जीत के जाएंगे। इसीलिए जिम्मेदारी है हमारी पूरी बार को बचाने की, पूरे जुडिशियल निजाम को बचाने की। इसीलिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। और 30,000 की जो मीटिंग हो रही है, वहां से सबसे अहम काम यह है कि आप लोग, हमें वो वॉलंटियर्स चाहिए जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के या हम लोगों से आगे रहकर 30,000 में लड़ाई संभालेंगे। कि बार तो बात की बात है, पहले हम जो आम नागरिक, हमारे शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग आते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए अदालतों में मजबूती के साथ खड़े हैं। ये वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो टाइम देंगे अपना, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। तो वो सारे वॉलंटियर्स अपना नाम लिखवा के जाएं, ये उनकी अहम जिम्मेदारी है, और टाइम देना पड़ेगा जैसा कि हम लोग दे रहे हैं। फिर आप फर्क देखिएगा, आज जो 30,000 से शुरुआत होगी उसका फर्क देखिएगा, जो दिल्ली से शुरुआत होगी उसका फर्क देखिएगा। फिर हम पूरे मुल्क में भी, पूरे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसा अभी भानु जी ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, इसी चीज को रेप्लीकेट करूंगा। लेकिन अगर मैं अपना नाम लेके तो नहीं बोलना चाहता,
सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई अच्छा बार काउंसिल का मेंबर, ईमानदार भाई बार काउंसिल का मेंबर, वो बार काउंसिल का मेंबर जो जजों से फेवर्स नहीं लेना चाहता, जो बार के लिए लड़ाई करना चाहता, अगर वो जीत के जाएंगे मुट्ठी भर की, और अकेले किसी के जाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, अगर हम लोग चार पांच लोग दो तीन लोग भी जाएंगे तो उससे फायदा होगा। तो एक तो मैं ये गुजारिश कर ही रहा हूं कि बहुजन समाज की जो दर्द रखता, जो बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट को मानने वाला एक कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से भी आना चाहिए, जो साथ के साथ हमारे साथ कैंपेन करे, हम दोनों यही कम्युनिटीज मिलकर साथ कैंपेन करें। तो भानु जी अय्यर सिंह साहब मौजूद हैं, हमारे दूसरे सीनियर साथी मौजूद हैं, मैं आप लोगों से इस स्टेज के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं कि एक कैंडिडेट भी ऐसा होना चाहिए, यह बहुत शर्त है, जो भानु जी कैंडिडेट ऐसा जो बहुजन समाज की का मन रखता हो, नाम से नहीं, कोशिश यही करें, परिवार से नहीं कि पैदा उस समाज में हो गए। एक कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो बहादुर हो और जो मन में बहुजन समाज की भावना रखता हो कि इस देश को चलाने के लिए ईमानदार जो 92% मेजोरिटी है देश की, उसका दर्द दिल में रखता हो, ये बहुत जरूरी है। तो अगर ये हम दो कैंडिडेट साथ कैंपेनिंग करेंगे तो मैं नहीं समझता कोई शक और शुबे की गुंजाइश है कि ये दोनों कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अब इसीलिए ये अनाउंसमेंट आज की जा रही है और इसीलिए आप लोगों से ये सिग्नेचर कैंपेन भी कराया जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बताया जाए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर ट्रांस काउंसिल नहीं है, बार काउंसिल के मेंबर जिस तरह इस देश के असली मालिक देश का एक एक नागरिक है, उसी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के असली मालिक बार के मेंबर हैं जो यहां ये बैठे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो, वो बार के मेंबर्स की मर्जी से चलेगी, किसी के पदाधिकारियों की मर्जी से और वो भी गलत मर्जी से नहीं चलेगी। ये इसलिए सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है। अब जब एक दो मेंबर की बात काउंसिल में अच्छे जीत के आए, पहले मैं खुलेआम इसीलिए प्रेस को बुलाया था, ये ऐलान करना चाहता हूं कि फिर, और ये हमारा फर्ज है कि हम अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी ना, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या कि जज जो न्याय कर रहा है वो पूरे देश को पता लगना चाहिए ये न्याय इस तरह हो रहा है, ये पूरे देश को पता लगना चाहिए कि ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब हैं और ये वकील साहब हैं जो इन जज साहब के सामने बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, ये पूरी दुनिया को और देश को पता होना चाहिए, और ये जो दूसरे वकील साहब हैं ये उनसे बहस तो अच्छी करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ला पाते। बार काउंसिल के मेंबर्स की ये जिम्मेदारी है हमारे जुडिशियल निजाम को ठीक करने की। ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि जजेस ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पूरी दुनिया के सामने होना चाहिए। आज हमारे चीफ जस्टिस लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से आता है कि जज ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका फैसला देश की जनता करेगी, और उसका फैसला उसको फैसिलिटेट करने का कि देश की जनता ये जाने कि जजेस ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये जाने, तो उसके लिए बार काउंसिल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बार काउंसिल की जिम्मेदारी यह है कि किन किन लोगों को किस किस बुनियाद पे कोर्ट से कोर्ट कमिश्नर बनाया जाता है, कोई क्राइटेरिया है, कोई लॉजिक है, नहीं है। बार काउंसिल की जिम्मेदारी यह है कि जो ये मीडिएटर और मीडिएशन सेंटर्स में जो ये जो आर्बिट्रेटर्स बन रहे हैं, ये कौन से क्राइटेरिया से बन रहे हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर क्राइटेरिया है या नहीं है, क्या एक ही मुट्ठी पर लोग रिपीट हो रहे हैं। बार काउंसिल की जिम्मेदारी ये है कि ये 50-60 जो ग्रुप्स हैं दिल्ली में उनके अलावा क्या लॉयर्स बाकी काबिल नहीं रह गए, ये बार काउंसिल की जिम्मेदारी है। अच्छे मेंबर्स जाएंगे तो ये होगा, जजेस हैं रिस्पेक्टफुली बात करेंगे मेंबर्स ऑफ द बार से। एक अभी मेरा खुद का केस हुआ है ना, प्रशांत भूषण जी का बताया, मेरे खुद के ऊपर कंटेंट हुई थी कैट से,
अभी सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने और कैट के चेयरमैन साहब ने एक बार नहीं बार बार ये कहा था कि आप सिर्फ दाएं से बाएं से छुपे हुए लफ्जों में सिर्फ सॉरी कर दो, चलो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं, बार के लिए, वकीलों की इज्जत के लिए सॉरी नहीं बोला। मैंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन ये नहीं होगा कि जजेस जो है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वकीलों के साथ बदतमीजी करें और वकीलों के ऊपर ही कंटेंट करें और उसके बाद सजा करें विदाउट ट्रायल। ट्रायल कीजिए फिर सजा दीजिए, लेकिन ट्रायल होता तो मैं सुरखरू निकलता और वो जज साहब जिन्होंने मेरे ऊपर कंटेंट लगाई थी सजा उनको होती। तो मैंने इसीलिए पूरी बार की खातिर वो कंटेंट सुप्रीम कोर्ट तक झेली और आज एक वो बहुत बड़ा मिसाल बनी कि वकीलों के साथ कंटेंट की प्रोसीडिंग्स बगैर ट्रायल के नहीं हो सकती। तो ये बहुत जरूरी बात है। जो मेरे ऑफिस में रेड हुई, मेरे कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल वकीलों के घर से वकीलों के ऑफिस से उसका कंप्यूटर नहीं लिया जा सकता। उस प्रिंसिपल के लिए 18 घंटे तक वो रेड झेली और उसके बाद भी बाहर आके यही कहा कि हम इन पुलिस वालों को और इनके राजनीतिक आकाओं को जेल भिजवाएंगे क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वकीलों के साथ ये नहीं कर सकते। ऐसे मेंबर्स हमें चाहिए और ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते क्योंकि उसमें पैसे का इस्तेमाल होता है। इलेक्शन में पैसे की जगह लॉबीज का इस्तेमाल होता है, दबाव का इस्तेमाल होता है और आखिर में ईवीएम का भी इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि बार को ठीक करें, बार काउंसिल में अच्छे मेंबर मिले, अच्छे और टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। ये दो दो टर्म्स कैसे ले सकता है, इससे ज्यादा गलत काम कोच नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि बार को मजबूत करने के लिए आप लोग इस तहरीक से जुड़े कि बार काउंसिल के इलेक्शन सही टाइम पे होंगे। दूसरा, आप हर एक 30,000 की जिम्मेदारी लें कि 30,000 में हमारा कोई भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का मजलूम इंसान जिसके साथ ज्यादती हो रही है, तो हम सब टीम बना के ग्रुप बना के उसके लिए पेश होंगे। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर ऋतु यहाँ आ गई, एक सेकंड के लिए स्टेज पे आ जाए। ये डॉक्टर ऋतु हैं, इनके साथ ये एक गुनाह है इनका जिसकी इनको सजा मिल रही है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में वहां के सारे टीचर से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिलवाती हैं स्टूडेंट्स को। ये इनका गुनाह है, इस गुनाह की सजा जो मनुवादी इनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने 35 बच्चे झूठे नकली पैदा करके उनके सिग्नेचर्स कराए और इनको नौकरी से निकाला। ये डरी नहीं, ये लड़ रही है आज तक, बगैर नौकरी के लड़ रही है आज तक। तो क्या हम सब लोगों का फर्ज जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़े, क्योंकि ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे देश के जो टीचर समाज है, खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, जिसके साथ हर मनुवादी प्रिंसिपल रोज ज्यादती कर रहा है, सबसे अच्छा होने के बावजूद भी इस तरह का छल कपट, आप सोच सकते हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट फोर्स कर रहा है इनको नौकरी से निकालने के। तो कल 10 बजे वो मोर साहब है ना, 315 कोर्ट नंबर में मोर साहब की अदालत में इनका केस है। धीरज मोर साहब है SC ST स्पेशल कोर्ट, तो 350 नंबर। तो अनु जी और हम जाएंगे इनका केस प्रेजेंट करने। ये टेस्ट शुरू हो गया आज से, कल सुबह 10 बजे वही जिस चीज के लिए आपको कहा जा रहा है, 30,000 की जिम्मेदारी संभाल ले ना सब, आप सबको आना है। जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं उनको आना है और मजबूती के साथ मोर साहब को कोर्ट, जो ओपन कोर्ट है, उसमें खड़े रहकर देखना है किस प्रकार का न्याय हो रहा है। और मोर साहब बहुत अच्छे जज भी हैं, तो उनसे एससी एसटी एक्ट भी हमें सीखने का भी मौका मिलेगा। तो कल सुबह 10 बजे सब लोग आए वहां पे। और ये टेस्ट केस है, इसी तरीके से किसी का भी केस होगा,
होगा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के व्यक्ति का, जैसे कानू जी ने कहा कि जो सोशल वजह से उसके साथ ज्यादा हो रही है, कोई चोरी डकैती करके आया उसके लिए नहीं, उसके लिए फीस देंगे और काम करेंगे। जिसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है उसके लिए हम सब लोग टीम बना के रहेंगे और ओपन कोर्ट का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।